जो आप लोगों ने आज देखा है ये हुमा अदनान और UNHCR की कोशिश थी। पिछले 8 महीने से ये लोग साथ काम कर रहे हैं, रेफ्यूजी औरतों के साथ जो कराची में रह रही हैं, तकरीबन 50,000 से ज़ायद औरतें हैं, और ये वो लोग हैं जिनका सब कुछ छिन चुका है और इनके पास जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हुमा ने इनको ज्वेलरी बनाना सिखाया और उनको अपनी इंडस्ट्री का हिस्सा बनाया, ये उनको एक उम्मीद की किरण देती है जो उनको आगे बढ़ने की सलाहियत और आगे बढ़ने की उम्मीद देती है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये ग्रेट इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए भी, और अगर ये हम फॉलो थ्रू कर लें तो इन तमाम औरतों की ज़िंदगी में बहुत खातिर तब्दीली आ जाएगी और इनको अपना एक अर्निंग का ज़रिया मिल जाएगा और इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी।